हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए हम कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेके आते हैं या तो फिर एक कुछ नया टूल को यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे है थर्मल कैमरा और ये मैं आपको आज अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस और इसको कैसा यूज किया जाता है सब कुछ आपको बताएंगे। और ये थर्मल कैमरा जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, इसको हम यूज करते हैं जो माइनर शॉटिंग होती है, जो छोटी छोटी शॉटिंग होती है, बहुत कम लीकेज होता है, जो कि आपका डीसी मशीन से या किसी और डिवाइस से आपको फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस फाइंड आउट तो हो जाता है बट थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई थर्मल कैमरा होता है तो बहुत कम समय में आप उस शॉटिंग को भी आप बहुत ही इजी वे में उसे पकड़ सकते हैं, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये आपको कैमरे के अंदर आपको सारी चीज बता देगा कि कहां पे माइनर हीटिंग हो रही है, थोड़ी सी भी हीट कहीं पे भी होता है तो ये हमको शो हो जाता है। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि हम अभी लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। तो वीडियो पर एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, जुड़े रहिए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अनबॉक्स करते हैं, एक बार ओपन कर लेते हैं और ओपन करके देखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं मंगाया हूँ MP से भोपाल। अगर आपको ये लेना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा आपको, काफ़ी सारे डीलर्स है। और ये मैं रामराज टूल से मंगाया हूँ, आप चाहे तो इनसे भी ले सकते हैं। तो ये एक सनशाइन का थर्मल कैमरा है जिसे TV03 कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सनशाइन का है और वर्जन 2.0 TV03। चलिए इसको अभी ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका बॉक्स बाहर आ चुका है और जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, ये देख सकते हैं रामराज भाई साहब एक कार्ड्स रखने के लिए एक पॉज दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसमें हमको सबसे पहले मिलती है एक यूज़र मैनुअल, इसमें आपको कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ इसमें बताई जाती है। कि जो सॉफ्टवेयर इसमें लगता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है आपको, ऐसे फिट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का सॉफ्टवेयर आता है इसका, कैनली या फिर सनशाइन में मिल जाएगा आपको ये। तो चलिए देखते हैं, ये इसका यूज़र मैनुअल है तो इसको बाजू रख देते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कैमरा बताना चाहूँगा। ये देख सकते हैं ये इसका कैमरा है और इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सनशाइन इसका, ये सारा सा है इस साइड में। इसका लेंस यहाँ पे है जो कि आपको कैमरे का लेंस है और यहाँ पे एक लाइट जल जाता है जब आप इसे कनेक्ट करेंगे पावर केबल के साथ। तो चलिए मैं अभी इसको बाजू रख देता हूँ और इसमें से इसका ये हो गया इसका स्टैंड, इस तरह का स्टैंड देख सकते हैं ये मूव करने के लिए। तो अभी इसको फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इसके एलन की और स्क्रू ड्राइवर है, इसको स्क्रूस है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या है इसका। ये देख सकते हैं इसका पावर केबल है जिसके अंदर आपको ये देख सकते हैं वोल्टेज, यहाँ पे आपको इस तरह का केबल मिलेगा 100-240 वोल्ट का, जो कि 50-60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनाती है। और इसका आउटपुट जो है ये 12 वोल्ट का 1 एम्पियर का ये आउटपुट निकालता है। तो ये 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का चार्जर है, ये आपको पावर केबल इस तरह का आता है। और ये बाजू रख लेते हैं, इसका बॉक्स हो गया। इसके अलावा यहाँ नीचे के साइड में इसके लिए एक वायर है जो कि आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि RJ केबल होता है, RJ45 टाइप का। चलिए इसको भी बाजू रखते हैं। और इसका मेन होता है जो बेस, ये देख सकते हैं ये इसका बेस है, इसको बाजू रख देते हैं। इसके ऊपर आपको ये फिट करना है, यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं। तो इसका बॉक्स मैं जल्दी से बाजू रख देता हूँ और जब आप इसको फिट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये जो स्टैंड है आपको यहाँ पे इसको फिट करना है, तो इसको फिट करने के लिए इस तरह से देखते हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से आपको रखना है इसको और पीछे से यहाँ पे स्क्रू इसमें फिट कर देना है। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो ये स्क्रू इसमें से निकाल लेते हैं
तो एक एलन की मिल गई मुझे, और ये कैमरे को ऊपर फिट करने के लिए, और ये नीचे के लिए दो स्क्रू मिले हैं, तो इसको लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये इस तरह से इसमें फिट होगा। यहाँ पीछे से स्क्रू आपको लगानी है। तो ये आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं, ये थर्मल कैमरा जो कि शॉटिंग वगैरह निकालने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जब काम आपके पास ज़्यादा आता है दुकान में तो ही आप इसे ले, अदरवाइज़ इसका उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। थोड़ा जितना हाथ से टेंट हो जाए कर देंगे, उसके बाद एलन की आता है इसका, इस तरह से इसको टेंट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिट हो चुका है, और अभी हम एक और स्क्रू है इस तरह का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कैमरा हमको फिट करना है इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आपको यहाँ पे इसका एक सॉकेट है, इसमें इस तरह से आपको डालना है, और उसके बाद ये ऊपर से इस तरह से इसको फिट कर देना है। जैसा देख सकते हैं ये हाथ से फिट हो जाएगा। उसके बाद कैमरे को आपको इस तरह से सेट कर देना है। ये बॉक्स में बाजू रख दूंगा, चलिए। और ये पावर केबल इसमें लगा लेते हैं, और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आरजे केबल, और यहाँ पे आपको ये पावर केबल के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये चलिए पावर केबल इसमें यहाँ से लगा लिया हूँ, और ये जो है आपको ऑप्शन लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। तो एक तो इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं RJ45 टाइप का जो इंटरनेट का वायर आता है उसी तरह का है, और एक लगेगा आपके कंप्यूटर में इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सॉकेट है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, और इसका पावर केबल लगा लेते हैं, इसको ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लाइट आ चुका है, और इसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो जुड़े रहिए पूरा एंड तक, देखिए इंस्टॉलेशन प्लस एक्टिवेट करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सनशाइन के वेबसाइट में जाना है, और सपोर्ट में एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे इसके जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सनशाइन TV03 जो कि हमारा ये वाला थर्मल कैमरे का सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें, और ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे, और ओपन करके डबल क्लिक कर देंगे तो ये रन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और ये अभी हमारे पीसीबी में जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेट कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क एंड शेयरिंग में आपको इथरनेट में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ये विंडोज 10 के ऊपर इस तरह से पूछेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो थोड़ा सा कोड वर्ड्स, थोड़े से इंटरनल, थोड़ा सा उसके आईपी एड्रेस थोड़ा सा चेंज करना होता है आपको। ये चाइनीज में ऐसा दिखेगा आपको, बट आप टेंशन ना लें, बस देखिए राइट साइड में छोटा सा क्लिक है, वहां पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर ले। देखिए डेस्कटॉप पे अभी तक कोई आइकॉन नहीं है, ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट में एक आइकॉन आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें आप, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये विंडो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्लिक कर दें,
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कंट्रोल पैनल में जाना है और इथरनेट इंटरनेट में आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग करनी है। यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही लिखूंगा मैं तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसमें आपको जाना है। और जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग करना है। लेफ्ट साइड में आपके पास दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे लोगो से वो थोड़ा सा हाइड है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में चेंज एडाप्टर सेटिंग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऊपर है सबसे ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथरनेट में जाना है आपको, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना है, नीचे जो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया गया है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 जो दिख रहा है इसमें सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको इस तरह का आईपी एड्रेस चेंज करना है, आप इसको रोक के देख सकते हैं वीडियो को, सेम आईपी एड्रेस आप डालिए और आपका थर्मल कैमरा जो है बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये सेटिंग आपको पता नहीं है फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे थर्मल कैमरा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रहेंगे, ये इंस्टॉल ही नहीं होगा और ओपन ही नहीं होगा इसका। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ये आईपी एड्रेस का मैं फोटो दे देता हूं आपको, सेम वाला आप डाल देना। चलिए फ्रेंड्स इसको क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद सारे क्लोज कर देते हैं, ये सारा हमारा काम सेटिंग हो चुका है, आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है, डायरेक्टली थर्मल कैमरा हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिए, बिल्कुल भगा के मत देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, एक बार देखिए। बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ, शॉटिंग वगैरह कैसे पकड़नी है, माइनर शॉटिंग, इसका भी बहुत सारा यूज है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैमरा खुल चुका है, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा थर्मल कैमरा चल पड़ा है, और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, ये देख सकते हैं अभी ये इंग्लिश में हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं हाथ रखता हूँ यहाँ पे शो हो रहा है, और इस थर्मल कैमरे से हम शॉटिंग वगैरह बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर वीडियोज हम बनाएंगे बहुत ही जल्द, तो वो भी आप देखते रहिए। और इसको थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं वाइट मोड में है, ये ब्लैक मोड है, यहाँ से इस तरह का ब्लू कलर दिखेगा। तो जहाँ पे भी हाई ट्रेसिंग, टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं विजन डायरेक्टली अगर आपको देखना हो तो यहाँ से। ये थर्मल में है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल में यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन रखा गया है फ्रेंड्स जूम वगैरह करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक जूमिंग के लिए, ये इसको आप इस तरह से घुमा के जूम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ पहले, देख सकते हैं अभी हमारा पीसीबी यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है, जैसा मेरे हाथ देख सकते हैं आप। अगर आपको यहाँ से थर्मल करना हो तो थर्मल कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको इस तरह से देखना हो तो। दोस्तों ये एक थर्मल कैमरा हमने अभी मंगवाया है, दोस्तों ये थर्मल कैमरा आप देख सकते हैं ये TV03 ये है, तो इसका भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, तो देखते रहिए फोन फिक्स हैदराबाद। वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।